अस्का 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 बेटा, कोई बात हुई है तो बेगम साहब ऐसा बात कर लेते हैं। हम बस पकड़ेंगे। चलो अस्का, अस्का मेरी बात सुनो। बस अस्का बेटा, अम्मा चले बात कर लेते हैं ना हम उनसे। खतीजा, जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था मेहमानों के साथ। आपको तमीज बांधने की जरूरत नहीं है बेगम साहबा, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आपको मेरी को बात बुरी लगी है तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। आप लोग का नमक खाया है, बहुत एहसान है आप लोग के हम पे। अस्का, बात को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए था। कोई बात थी तो मुझसे आप यकीन कर ली थी मेरी बात का? शायद हाँ शायद नहीं। बहरहाल शायद अब तुम दोनों को। जी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी जा रहे हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो सुल्तान भाई को जॉब से मत निकालिएगा। बाकी देख लीजिएगा आपकी जो भी मर्जी। चलो अम्मा, इजाजत। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं आप? अजलान को फोन कर रही हूँ, कब से उठा ही नहीं रहा, कहाँ है? अजलान अपने दोस्त वलीद के साथ नॉर्दर्न एरिया गया हुआ है साइट देखने के लिए। वहाँ थोड़ा सा बेटा सिग्नल्स का इशू होता है। आंटी खैरियत तो है? आप परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? शनाया बेटा, तुम ही थोड़ा सा अजलान को समझाओ, वो तुम्हारी बात सुनता है। क्या समझाओ? तुम सुल्तान को जानती हो ना? उसके पाँव में चोट लग गई। उसने अपनी जगह अपनी छोटी बहन अस्का और अपनी अम्मी को भेज दिया काम के लिए। अच्छा, फिर? तो वो अजलान का दोस्त वलीद घर आया था, उसने अस्का के साथ कोई बदतमीजी कर दी। बजाय इसके कि अजलान वलीद को कुछ कहता, उसने अस्का को डांट दिया। वो मासूम सी बच्ची है, रोती भी गई है यहाँ से। बेटा तुम ही उसको समझाओ कि लोगों के साथ इस तरह चीख चिल्लाकर बात ना किया करें। खुदा ना खास्ता अस्का के दिल से कोई बद्दुआ निकल जाती फिर। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं बात करती हूँ, लेट मी कॉल हिम। ठीक है, आप परेशान ना हो। अल्लाह से डरना चाहिए शनाया, अजलान का ये रवैया कभी कभी मेरे दिल को बहुत परेशान कर देता है। मैं बात कर रही हूँ ना, आप परेशान ना। ओके 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 बेटा, अपना ख्याल करना।